करनाल के शिव कॉलोनी में रहने वाले विक्रम नामक युवक की रेलवे फाटक पार करते हुए मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भिजवा दिया है। जीआरपी के पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि घोगड़ीपुर फाटक के समीप एक व्यक्ति की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई है। शव को कब्जे में लेकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के विक्रम के परिजनों ने बताया कि विक्रम शिव कॉलोनी में अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तो वह अपने मामा की मोटरसाइकिल लेकर शहर की तरफ गया था। रास्ते में घोगड़ीपुर फाटक के समीप रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए वह ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने 174 की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हमको 10:35 रात को हमें सूचना मिली थी रेलवे घोगड़ीपुर फाटक के नीचे कोई रेलवे दुर्घटना हुई है। जो जाकर मौके पर देखा तो एक नौजवान लड़का विक्रम, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी, और उसकी रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए उसकी मौत हो गई, जिसकी 174 सीआरपीसी कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवाया गया और लाश वारसान को अंतिम संस्कार। रेलवे लाइन पे कैसे पहुंचा ये? अब उसकी शिव कॉलोनी में उसकी दुकान थी और उसके जो मामा जी थे वो दुकान में बैठे थे। उसको 10 मिनट के लिए बोल के गए थे मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और शिव कॉलोनी साइड मोटरसाइकिल खड़ी करके उधर जा रहा था। ये बाइक पे था? हाँ, बाइक पे शिव कॉलोनी साइड खड़ी थी और वो उधर क्रॉस कर रहा था। इस दौरान कोई हाँ उसी दौरान हाँ जी 174 पोस्टमार्टम करवा दिया है, लास्ट दे दिया वारसान को। आपका पूरा नाम? मेरा नाम हेड कांस्टेबल सुशील जी आर पी। कार्रवाई चाहिए मामला? बस कुछ नहीं, कार्रवाई जान लीजिए। इत्तेफाक या काम हुआ है यू? हाँ जी, क्या हुआ है पूरा बताइए थोड़ा। दुकान पर बैठे थे जी। कहाँ पे? अपनी दुकान पर, करियाने की दुकान कर रहा। किस जगह है? शिव कॉलोनी में जी। हाँ जी, इले वहाँ से अपने मामा की बाइक की ट्राई लेने गया था। अच्छा, इले रेल क्रॉसिंग कर दी सर, इन्हें ध्यान नहीं रहे ले एकदम। किस चीज के नीचे आए? रेल के नीचे। कितने बजे की बात है ये? कोई होगी 8:30 बजे की बात है। मौके पे डेथ हो गई? हाँ, मौके पे डेथ हो गई। क्या कार्रवाई की जा रही है? बस कुछ नहीं जी, बस क्या कार्रवाई होनी थी। कार्रवाई की? क्या नाम था? विक्रम था जी। शादीशुदा था? नहीं नहीं, अनमैरिड। कितनी उम्र है? होगी 22-23 साल होगी जी। आपका क्या लगता है? हमारे रिश्तेदार था जी। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार। ये चाचा जी खड़े जी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक